हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। मैं क्योंकि कोलकाता अपने मम्मी के घर पे हूँ और यहाँ पे जितने सारे सब्जियाँ हैं, मैंने कुछ कुछ तो वीडियो शेयर किया है, वो सारे सब्जी एक साथ आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो पपीता, तो सबसे पहले पपीता से शुरुआत करेंगे। तो इस पपीता से जो दूध निकालते हैं, इसमें आयुर्वेद में बहुत काम होते हैं। और आजकल मैंने एक गूगल में देखा था कि इसके जो दूध है, ये स्किन पे लगाओ तो बहुत इसमें ग्लो होते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो आप बता सकते हो, लेकिन ये बहुत बीमारी में काम आते हैं। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम है उसमें बहुत बेनिफिट होते हैं, जैसे कि दाँत खाद खुजली हो या फिर नाखून के साइड में अगर घाव टाइप के बन जाए, तो ये दूध लगाने से ना सही हो जाते हैं। तो चलिए ये तो रख लेते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी छत पे, तो छत पे सेम का पेड़, वहां से सेम तोड़ेंगे। आ जाओ बेटा। ये देख रहे हो, ये ऊपर इस तरीके से रस्सी बांध के लौकी का पेड़ लगाया था, तो इसमें काफ़ी सारा लौकी भरा था और ये बन दिया है बीज के लिए। और इधर कुछ कुछ फल निकला भी है। तो देखिए इस तरीके से छत पे बहुत अच्छा ग्रो होते हैं, आपको फल लगे होंगे दिखते होंगे। इस पेड़ में कम से कम मैं बताऊँ 50 लौकी निकला था, इतना सारा कि हमें अगल बगल में बांटना भी पड़ा था, इतना ज़्यादा हुआ था। और जब घर पे इस तरीके से पेड़ पौधा लगाओ, अगल बगल में भी आप शेयर कर सको अपने नेबर्स लोगों को, तो बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। तो इसके बीज होने के बाद इससे भी पौधे लगाए जाएंगे और इससे बहुत अच्छा क्वालिटी के होंगे। तो चलिए सेम का पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ, उस साइड में है गया है, अब देखते हैं कितना यहाँ पे मिलता है। काफी ऊपर ऊपर है फ्रेंड्स, इसे तोड़ने के लिए तो एक डंडी का हेल्प लेना पड़ेगा, जो मेरे पापा आएंगे तो तोड़ेंगे। तो जितना मैं हाथ में पा रही हूँ उतना मैं तोड़ लूंगी अभी। सेम ओए जी सामने ओए जी। धूप जो आ रहा है। तो इतना मैंने तोड़ लिया है, काफी सारा हो गया है, तो मिक्स्ड वेज बनाएंगे तो उसमें मिला देंगे। नहीं, ये भी ऐसे ही है, शायद आपको दिख रहे होंगे बहुत अंदर साइड तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उधर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और जो नज़दीक में है वो बिल्कुल छोटे हैं, तब भी अब जब आए हैं एक आध तो तोड़ ही लेंगे।
তো তুলেছিলাম দেখাতে পারতে। तो देखिए एक तरफ से एक सब्जी रेडी होते गए और दूसरे साइड इस साइड में इधर कद्दू, इधर भी सारे सब्जियां, मिर्च वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लौकी कद्दू सब लगाए हैं। तो सीजन आते आते ये सब भी फलने लगेंगे। ये पोई वाला साग है, पोई वाला साग तोड़ लेते हैं क्योंकि ये डाल के जब मिक्स्ड सब्जी बनाते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये इतना लंबा है, कम से कम मेरे हाइट में है। इसे अभी साइड में रख लेते हैं। तो बिना कोई केमिकल के एकदम प्योर इस तरीके से घर पे उगा हुआ सब्जियां ना बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर गांव से है या फिर शहर में भी अगर इंसान चाहे तो टब में, गमला में कुछ ना हो तो प्लास्टिक के जो बोरीज होते हैं वो बोरी में भी सब्जियां बो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए उधर चलते हैं। हाँ चलो। अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, इसी बैंगन के पेड़ से मैंने बैंगन तोड़ के दिखाया था। बस दो ही दिन हुआ है, दो दिन में फिर से बड़ा हो गया है बैंगन। बैंगन तोड़ लूं। ओ बाबा, ये बीज रखने के लिए बनाया है। ये बैंगन भले ही छोटा है लेकिन इससे ज़्यादा रखा जाता है ना तो वो टाइट हो जाते हैं, बीज होने लगते हैं। तो इतने ही साइज में, अभी भी आप दिख रहे हो ये अभी भी नरम है, तो इतने ही साइज में तोड़ ले रहे हैं। और एक एक बैंगन जो इससे बड़े होते हैं उसे थोड़ा और बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे। आ जाओ आ जाओ। तो चलिए सेम हुआ, बैंगन हुआ, पुई वाली साग और पपीता। प्लीज साइड से। तो ये है सालगम। इसके पहले मैंने सालगम तोड़ के आपको सब्जी बनाया है, यही से हमने तोड़ा ही था। तो फिर से ये बड़े हो गए हैं तो हम तोड़ के बनाने वाले हैं। सलगम मेरा तोड़ना हो चुके हैं। कौन सा? अब कुछ लौकी के पत्ती, आगे वाले पत्ते हमें तोड़ लेना है। ये साग बहुत ही फायदेमंद तो होते ही है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। ये गांव के इलाके में और कोलकाता में तो ये हर घर में खाया ही जाते हैं। लौकी और कद्दू के पत्ते लगभग कुछ सेम ही खाने में लगते हैं, हल्का फुल्का सा 19-20 का डिफरेंस होते हैं बस। इस पत्ते से भरता बनाया जा सकता है, इस पत्ते को कोई भी साग बनाने टाइम या फिर दाल में डाला जा सकता है,
इसके पेस्ट बना के उसका भरता बहुत गजब टेस्टी बनता है। ये रहा आज के हमारे टोटल सब्जी। इसमें से आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा सब्जी देख के मन कर रहा है कि ये अभी मिल जाए तो तुरंत हम बनाएंगे। तो मुझे इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे खाने का मन कर रहा है ये लौकी के पत्ते। ये लौकी के पत्ते मेरा बहुत फेवरेट है और मुझे, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे साग बहुत पसंद है और ये ज़्यादा स्वाद लगते हैं और काफ़ी दिनों से मैंने लौकी के ये साग खाया भी नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ आज के हमारे ब्लॉग बहुत आपको पसंद आए होंगे। इस तरीके से आप भी अपने घर के जो थोड़े बहुत भी जगह है उसे यूज़ करके हरे भरे ताज़ा सब्जियाँ उगा सकते हो, तो ज़रूर इसे इस तरीके से यूज़ करिए। घर में कुछ ना हो, पालक, धनिया, ये सब कुछ लगा के आप हेल्दी कुछ वेजिटेबल्स खा सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट से जितने भी हम लोग सब्जियां खरीद के लाते हैं वो बिना केमिकल वाला तो मिलते ही नहीं है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि छोटे से जगह पे आप पूरा खेती करके डेली का खाने का सब्जी निकाल लोगे, लेकिन बीच बीच में आपका बहुत काम हो जाएगा इस सब्जियों से। तो मैंने सोचा लौकी के पत्ती अभी मैं बनाने ही वाली हूँ, तो क्यों ना इसका छोटा सा ही रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि कैसे मैं बनाती हूं और किस तरीके से मुझे बहुत पसंद है। जिसके लिए सबसे पहले तो एक एक पत्तियों को हमने अच्छे से चेक किया है। लौकी के पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे हरे और सफ़ेद रंग के कीड़े मकोड़े होते हैं। उसे चेक करने के बाद अच्छे से साफ पानी से धुला है। अब इस पत्ती को आप चाहे तो हल्का सा चॉप कर सकते हो या फिर हाथों से ही इस तरीके से तोड़ सकते हो। पाँच से सात मिनट के अंदर बनके तैयार होते हैं। तो देखिए, जरा सा सरसों का तेल डाला, गरम होते ही सूखी लाल मिर्च हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार, आठ से दस लहसुन के कलियाँ बड़े साइज के। जैसे ही सुनहरा रंग आ चुके हैं इसमें काला जीरा यानी कि कलौंजी डालेंगे आधे छोटे चम्मच। अब इसमें लौकी के पत्ते हमने जो हल्के से तोड़ लिया है वो डालेंगे, स्वाद अनुसार डाला है नमक। नमक डालते ही पत्तियाँ बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे और बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे पानी छोड़ के। तब देखिए, एक से डेढ़ मिनट के अंदर ही ये बहुत कम हो चुके हैं और पानी भी छोड़ रहा है। इसमें दो चुटकी भर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है जिससे कलर और अच्छे आएंगे। अब मिला दिया है, इस टाइम एक ढक्कन से ढक देंगे और पूरा पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम में रखते हुए। अब पूरा पाँच मिनट के बाद मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ। पत्तियों में से जितना पानी निकला था वो सूख चुके हैं और पत्तियाँ अच्छे से गल भी चुके हैं। पानी सूखने के बाद एक मिनट के लिए और पकाया है जिससे ये पत्तियाँ नीचे से चिपकना शुरू हो गए हैं और लहसुन भी आप देख रहे हो, तो इससे क्या होंगे, एक स्मोकी सा फ्लेवर आएंगे। जो चूल्हे में पकाओ तो जो स्वाद आते हैं वो स्वाद और खुशबू इसमें आ पाएंगे। तो अब लिया है एक मिक्सर के जार में, अब बस ढक्कन बंद करके पीस लेना है। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, एक टाइट सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये लीजिए पत्ती का जो ये रेसिपी है जो भरता है,
या बिल्कुल है तैयार, और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और हेल्दी कितना है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गार्निश करेंगे इस तरीके से लौकी के पत्ते में। अगर आपको भरता खाना पसंद है ना, तो आप इस तरीके से एक बार लौकी के पत्ते का भरता खा के देखिए, गजब का स्वाद है, आपको पसंद आएंगे। ऊपर से आधा चम्मच जितना सरसों के तेल और मिर्च से गार्निश कर लिया है। सरसों के तेल आप ऊपर से नहीं डालना चाहते हो वो स्किप कर सकते हो, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में भरता है सर्व करते हैं उसमें ज़रा सा सरसों के तेल ऊपर से ज़रूर डालते हैं। तो लीजिए अब इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाए या फिर रोटी के साथ भी आप खा सकते हो। नॉर्मली कोलकाता में इसे चावल के साथ ही सर्व करते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए थोड़ा सा राइस मैंने ले लिया है प्लेट में, और इस भरता के साथ टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। लौकी के पत्ते के एक अलग ही खुशबू और स्वाद, और इसमें लहसुन और जो सूखे मिर्च का फ्लेवर गया है बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और बहुत ज़्यादा ये भारी भी आपको फील नहीं कराते हैं, यानी कि ये टेस्टी भी है और एक स्पाइसीनेस भी रहेंगे, लेकिन बहुत सारे मसाले से भरे हुए, ना बहुत ज़्यादा तेल है, उस तरीके से आपको फील भी नहीं होंगे। जो भी लोग बंगाल से हो या फिर असम के साइड में, उड़ीसा साइड में भी इस तरीके से भरता खाए जाते हैं, अगर आपने पहले खाया है ना, तो मुझे ज़रूर भरोसा है कि आपके मुंह में अभी तक तो पानी आ गए होंगे। तो आप भी बना लीजिए अपने घर पे इस तरीके से, और खाइए और इंजॉय करिए। लव किचन में अगर आप पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना मिलेंगे हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।